हेलो दोस्तों, मैं झुम्पा फैमिली वर्ल्ड से। तो आज मैं सफेद चने की टिक्की बनाने जा रही हूँ। या टिक्की समझ लो या नाश्ता समझ लो, वो शाम वाला नाश्ता मैं बनाने जा रही हूँ। ये दोस्तों मैंने इसमें फ्राई पैन रख लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा ही नमक डालूँगी इसमें। और अब इसमें मैं एक चम्मच जे मैं रिफाइंड का डालूंगी। अब मैं ये चने डालूंगी, चने जो हैं वो मैंने एक कटोरी ये वाली भिगोई है, ये 200 ग्राम चने होंगे। अब मैं इन चनों को पानी में डालती हूँ। मैं कोई 10 मिनट के लिए उबालूंगी, ऐसे मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। जब उबलते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। अब दोस्तों जी मेरे चने जी देखो ये उबल गए हैं। अब मैं गैस को बंद करती हूँ और चनों को बाद में ठंडे करूँगी। पानी से निकाल लेते हैं। कितने बढ़िया चने हैं उबल गए हैं। अब थोड़े से ये ठंडे हो जाएं फिर उसको मैं ग्राइंड करूंगी। अब दोस्तों ये चने मेरे सारे ठंडे हो गए हैं। अब मैं मिक्सी जार में डालकर पीसूंगी। पहले इसमें मैं ये देखो एक चम्मच जीरे का डालूंगी। ये मिक्सी में मैंने एक चम्मच जीरे का डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से प्याज और 4-5 मिर्चें डालूंगी। मिर्चें आप अगर कम तीखा खाते हो तो कम डालें। अब मैं इसमें जो चने हैं वो डालूंगी। तो ये मेरा चने जो हैं वो पीस गए हैं, मैंने अब निकाल लिए हैं। ये चने हैं दोस्तों वो भी मैं अब जार में डालकर पीस लूँगी। ये मेरे सारे चने मैंने पीस लिए हैं। अब मैं सभी चने जार से निकालकर बाउल में डाल लेती हूँ। अब दोस्तों मैं पहले इसमें ये चावल का आटा है वो एक चम्मच
डालती हूँ, ये वेंडे के लिए है। और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज, अब मैं इसमें प्याज डाल लीजिए। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। इसमें मैंने लिया है ये सूखा धनिया, जो आजकल हरा धनिया इधर नहीं मिलता हमारे यहाँ, मैंने सूखा धनिया लिया है। स्वाद के अनुसार नमक लिया है, ये मसाला है आमचूर है, और ये गरम मसाला, ये गरम मसाला है, और ये काली मिर्च है। काली मिर्च का टेस्ट बहुत इसमें अच्छा आता है। और दोस्तों एक चीज़ मेरी रह गई है, वो भी मैं डाल देती हूँ, है ये चाट मसाला। ये मैं चाट मसाला भी इसमें आधा चम्मच डाल देती हूँ, इसको मिलाती हूँ। दोस्तों इसको मैं हाथों से मलूंगी। सारा ही मटेरियल तैयार हो गया है, अब मैं इसकी टिक्की बनाती हूँ। ये टिक्की को ऐसे ऐसे गोल कर लेना, इधर मेरी टिक्की बन रही है, इधर मैंने गैस को भी जला दिया है। ये दोस्तों चने की, सफेद चने की टिक्की है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। कितनी बढ़िया मेरी टिक्की बन के तैयार हुई है, अब मैं एक एक करके ही इसको डालूंगी। तो मैं दो दो नहीं डालूंगी, और पहले मैं ज़्यादा सेक किया था, अब मैंने मीडियम कर दिया है। ये टिक्की इतनी बढ़िया ये सफेद चने वाली बन रही है। अगर आप भी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो आप ये शेयर लाइक करना ना भूलें। ये देखो ये मेरी टिक्की बन के तैयार हो गई है। और दोस्तों गैस है क्या टिक्की बन के तैयार हुई है। मेरी सारी टिक्की बन के तैयार हो गई है, अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। ये कितनी बड़ी सॉफ्ट बनी है, देखो ये कैसे कैसे आवाज आ रही है इसमें। ये देखो दोस्तों एक छोटी सी टिक्की मेरी बनी है। अब दोस्तों ये देखो ये मेरी
प्लेटिंग बन गई है और मेरी टिक्की बन के तैयार हो गई है। आप लोगों को अगर पसंद आई है आप भी इसको बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं। और साथ में मैंने लाल वाली चटनी बनाई है खट्टी मीठी, और एक पुदीने वाली चटनी हरी बनाई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो आप मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।